सो गाइस देखो, आप सभी को पेपर पैटर्न तो पता होगा, पर पेपर पैटर्न के अंदर हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी चीजें इस वीडियो में कवर करने वालों। सो हम बात करते हैं सेक्शन वन, जो लैंग्वेज स्टडी है उसकी बात करते हैं। तो लैंग्वेज स्टडी के अंदर जो सेक्शन वन होता है हमारा दोस्तों, वो आप सभी को पता है, उसके अंदर ग्रामर सेक्शन होते हैं, और ग्रामर सेक्शन को आप सभी को पूरा करवा ही जा रहा है। गिरी ट्यूटर पे आप जाके चेक करोगे, हर एक एक घंटे में वीडियो आया हुआ है। जो हमारा जो दूसरे बच्चे हैं, जैसे कि जो हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम एंड नौ सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उनके लिए प्रदीप गिरी अपडेट पे आ रहा है। एंड इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हायर लेवल का इंग्लिश है, उनके लिए आपको गिरी ट्यूटर एंड प्रदीप गिरी अपडेट दोनों पे दिख रहा है। तो भाई आप सभी को दोनों के लिए हम लोग चीजें कर रहे हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये फिर से बता रहा हूँ, ये हायर लेवल का है। देन इसके सेक्शन टू की मैं बात करूं, टेक्सुअल पैसेज, मतलब जो सीन पैसेज आपके बुक का होगा उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन टोटल मिला के आप सभी को बताना चाहूंगा, टोटल मिला के ये 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। इसके बाद पोएट्री सेक्शन होगा, पोएट्री सेक्शन के अंदर जो एप्रिसिएशन होता है बी में आएगा, वो 5 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स के लिए। और गाइस एक चीज और, मैंने आप सभी को बोला है कि जो पोएट्री सेक्शन जितने आपके बुक में है उसको आप 21 से उसके नीचे क्वेश्चंस थोड़ा पढ़ लो, पढ़ लोगे तो देखो पोएम सेक्शन, आपको पोएम सेक्शन के क्वेश्चन आंसर लिखने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये बात मेरी सुन लेना ध्यान से और प्यार से। अब बात करते हैं नॉन टेक्सुअल। अब सेक्शन जो 4 है उसके अंदर अनसीन पैसेज आता है, और इसके अंदर जो बी सेक्शन होता है उसमें समरी राइटिंग लिखने के लिए आता है, समरी लिखने के लिए आता है, और समरी किस तरह से लिखना है वो सभी चीजें आपको गिरी ट्यूटोरियल में बताया हुआ है। देन इसके बाद मैं बात करूं सेक्शन 5 की, जो हमारा राइटिंग स्किल का पार्ट है, उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो भाई आप सभी को फॉर्मल लेटर लिखना है, कि फॉर्मल लेटर में मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और जिस तरह से हम बताएं उसी तरह से आपको लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 6 ए में नॉन वर्बल टू वर्बल, देन वर्बल टू नॉन वर्बल। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि नॉन वर्बल टू वर्बल लिखो, क्योंकि इसके अंदर मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस, तो ज्यादा मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए मेरा सजेशन है। बाकी आपकी मर्जी है, तो वर्बल टू नॉन वर्बल भी लिख सकते हो, बट अगर मेरे वाइज जाओगे तो मैं आप सभी को बोलूंगा नॉन वर्बल टू वर्बल। ये सभी चीजें करवाई गई है। अब इसके अंदर बी सेक्शन में मैं आप सभी को बोलूंगा ड्राफ्टिंग स्पीच ये लिखो, ये ज्यादा अच्छा है। इसके बाद ओके, देन आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, सेक्शन सी में। इसके अंदर गाइस आप सभी कुछ भी लिख सकते हो, रिपोर्ट राइटिंग भी लिख सकते हैं या एक्सपांशन ऑफ आइडिया, ये दोनों में से कोई भी चीजें कर सकते हैं, दोनों अच्छा है। एंड इसके अंदर भी डेवलपिंग स्टोरी ये भी लिख सकते हैं, और दोनों चीजें बहुत सही है। तो ये अपने वाइज और सभी चीजें बताई गई है, सभी चीजें ए टू जेड चीजें बताई गई है, और ये सभी चीजें अगर आपको सर्च करना है तो ग्री टूटोर एंड टॉपिक सर्च करो, आपके आंखों के सामने ऐसे प्रकट हो जाएगा सभी चीज और आपको दिखाई देने लगेगा। तो भाई फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दो, एंड जितना हो सके अपना सपोर्ट दिखाओ। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।